हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे ब्लॉग वीडियो में। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग स्वस्थ मस्त हैं कि नहीं। और ठंडी का सीज़न चल रहा है, गर्म कपड़ा पहन कर रखिएगा आप लोग, और स्वस्थ मस्त रहिएगा, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है हर इलाके में। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही दुख भरा है, बहुत ही मतलब क्या ही बताया आप लोगों से। आप लोग को पता ही होगा कि हमारा जो चैनल था वो हाल ही फिलहाल में मोनेटाइज हुआ था। बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हम लोग कठिनाई से उसको मोनेटाइज किए थे, क्योंकि हम मोनेटाइज करने के लिए हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन उसके लिए हम बहुत लोगों के पास कॉल किए थे, लेकिन किसी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे लोगों के पास कॉल किए थे, बड़े बड़े यूट्यूबर के पास, लेकिन कुछ बताने के बदले वो लोग बोला करते थे कि जो लोग आज के डेट में लाइव आते हैं तो बोलते हैं ना कि हम सपोर्ट करेंगे, हम ये बताएंगे, हम वो बताएंगे, सब झूठ बोलते हैं। जब आप मुसीबत में रहेगा तो कोई कुछ नहीं बताता। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। चैनल मोनेटाइज करने के वक्त हमारे चैनल पे बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, लेकिन हम काफ़ी लोगों से जानकारी लेने का कोशिश की, लेकिन किसी ने हमें बताया नहीं, कुछ नहीं बताए, बल्कि हमारा नंबर जो है उसको ब्लॉक कर देते थे, या तो फिर बोल के भेजते थे या लिख के भेजते थे कि आप लोग हमें डिस्टर्ब मत करिए, ऐसा बोला करते कि आप लोग हमें डिस्टर्ब मत करिए। तब हमें पता चल गया कि ये सब जो यूट्यूब पे लाइव आके लोग बोलते हैं, इतने बड़े बड़े फेंकते हैं ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करिए, झूठ बोलते हैं साले सब, हकीकत बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं लोग। भले ही आप लोग को बुरा लगेगा ये सुन के कि गाली दे रही है भाभी से कुछ भी, लेकिन इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई आपके पास मदद के लिए कॉल किया है तो इतना तो आप कर सकते हैं कि उसका बात पूरा सुन लीजिए कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। इतना बड़ा भी नहीं बन जाना चाहिए कि आप अपने आप को भगवान समझने लगे। कुछ लोग हैं ऐसे यूट्यूब पे, लेकिन हमें फिर हमें पता चल गया कि ऐसे लोगों के पास हमें कॉल नहीं करना चाहिए। हम YouTube से ही बहुत कुछ सीखे जाने, और उसके बावजूद हम अपना चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसमें एक महीने तक वो चैनल हमारा रिव्यू में पड़ा रहा, कुछ दिक्कत की वजह से। हम उसका भी वेट किए, फिर हम सब कुछ करके जिस जैसा YouTube हमको बोला मेल में कि ऐसे करना है, वैसा करके हम अप्लाई किए थे, और हमारा चैनल जो है 16 दिसंबर को शायद हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था। बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था हमारा, क्या बताएं आप लोगों से, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अब दुख हमारा ख़त्म हो जाएगा, दुख का पहाड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या है ना कि जिसके किस्मत में शुरू से ही दुख लिखा रहता है ना, उसका दुख जल्दी ख़त्म नहीं होता है। आप लोग इतना सारा सपोर्ट दिए, प्यार दुलार दिए, हम इतना आगे तक चले आए, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि हम जैसे गरीब आदमी को आप लोगों ने इतना सारा सपोर्ट दिया। और जैसे ही हम सोचते हैं कि अब हमारा दुख हम कम हो गया है, अब खुशियाँ शायद आने वाली है, वैसे ही कुछ ना कुछ उट पटांग इधर से उधर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इधर से उधर कुछ ना कुछ हो के और दुख कैसे प्रवेश कर लेती। तो वही बात है कि अभी एक महीना ही हुआ था हमारा चैनल मोनेटाइज हुए, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं, एक महीना ही हुआ था, 16 तारीख को हुआ था, इस 16 को एक महीना हो गया, ये 2-4 दिन जो भी आगे पीछे जा रहे हैं, आज 25 तारीख है, 25 जनवरी है। तो कि हाल ही फिलहाल में हमको कल शाम को 5 बजे करीब में ये मैसेज आया कि आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है। आप लोग समझ रहे हैं, डीमोनेटाइज कर दिया गया, उसमें लिखा हुआ था क्या था कि चैनल आपका फिर से चेक करने के बाद हमें ऐसा कुछ सामग्री उसमें मिला है जिसके वजह से हम चैनल को आपको मतलब डीमोनेटाइज कर दिए, डिलीट नहीं की है, जो मतलब हमारा पार्टनर प्रोग्राम जो बोला जाता है यूट्यूब से जुड़ा हुआ था उसको हटा दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया। हम इसके वजह से लाइव आना चाहते थे कल शाम को, सोचे आप लोगों से बताएं, शायद ये बताने लायक खबर है, आप लोगों से बताएंगे तो आप लोगों को भी जानकारी होगा, और बहुत सारे यूट्यूबर लोग भी हैं जिनको भी कुछ पता नहीं रहता है, तो उन्हें भी शायद कुछ मदद मिलेगा। हमारा तो मदद वैसे कोई नहीं करता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी का भी मदद ना करें। हमारे से जो भी जानकारी होता है, जो भी हम हर किसी को बताना चाहते हैं, भाई क्यों नहीं बताएंगे, वो भी इंसान है, हजारों गलतियाँ करते हैं तो क्या हुआ, लेकिन किसी का मदद करना बुरा नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, समय आने पर हम उनके नाम के साथ में वीडियो बनाएंगे कि वो लोग कौन है, लेकिन अभी नहीं, अभी गलत समय है, क्योंकि हमारा ही समय गलत चल रहा है।
लेकिन हम आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहते हैं, आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए। चैनल तो डीमोनेटाइज हो गया, अर्निंग हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों से सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि होगा मोनेटाइज फिर से, एक महीना का समय दिया हुआ है उसमें। तो यही सब बात थी, यही सब बात था जो हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, लेकिन फिर भी हम हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं, इसलिए ये हम वीडियो बनाए हैं। और जिनको बुरा लगा होगा, वैसे तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम आप लोगों को नहीं बोले, जो हमारा पब्लिक है हमें सपोर्ट करते हैं उनको हम नहीं बोले हैं। कुछ यूट्यूबर हैं ऐसे जिनके बारे में हम बोल रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा तेवर में घमंड में रहते हैं उससे, लेकिन हमें क्या लेना देना है, समय समय का बात है, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से ये विनती, आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए अपने इस भाभी का, यहाँ तक लाएँ तो थोड़ा आगे और ले जाइए। और आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और जिनके वो मतलब जो लोग चैनल बनाते हैं और मोनेटाइज करते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा जानकारी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि चैनल एक बार मोनेटाइज हो गया तो डीमोनेटाइज नहीं होगा। कुछ गलती हो जाती है इंसान से जिसके वजह से डीमोनेटाइज होता है, जो कि हम लोगों से भी हुआ है, तभी हमारा भी डीमोनेटाइज हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का सपोर्ट है, प्यार है, तो हम फिर से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर से आप लोग इतना सारा सपोर्ट दीजिएगा, यही आशा करते हैं। और ये आप ही लोग का सपोर्ट की वजह से हम अपनी जो अंदर का तकलीफ है उसको छुपा के ही रखे हैं, चेहरे पर हंसी है, अंदर से गम है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा कोई फैमिली नहीं है। आज माँ होती तो शायद माँ के कंधे पे अपना सर रख के रोते बताते उनको तकलीफ, लेकिन माँ नहीं है, हैं सब लोग हैं लेकिन हमारे साथ नहीं है। सब कुछ क्या मैटर है हम बताएंगे धीरे धीरे, वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी देंगे। फैमिली तो बहुत बड़ा है लेकिन साथ कोई नहीं देता है, आप लोगों का सपोर्ट है, साथ है, तो इसलिए अपना तकलीफ आप लोगों से शेयर किया अपना जानकर। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा ही कमेंट करिएगा, ताकि हमको ऐसा ना फील हो कि हम शेयर करके गलती कर दिए। तो प्लीज़ आप लोग कुछ अच्छा कमेंट करके दीजिए, दिलासा दीजिएगा, नहीं देना है तो नहीं दीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तभी बातें समझ में आएगी। और इतना ही पर करते हैं समाप्त, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।